धार जिले के कुंची तहसील में दिनदहाड़े नकाबपोश शातिर बदमाशों ने 3 गोलियां चलाकर ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की एक नाकाम कोशिश की है। जहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों को डराया गया है, तो वहीं दूसरे जो 2 फायर थे वह ज्वेलर्स की दुकान के कांच पर लगे हैं। शातिर लुटेरों ने जब भीड़ को देखा तो वहां से भागने में ही अपनी होशियारी समझी और अपनी बाइक लेकर वह भागने में सफल भी हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे कुंची SDOP समेत पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। शोरूम के ग्राहकी की भीड़ थी, मैं मेरे एक सोफे पे पीठ के सहारे बैठा हुआ था, मोबाइल से बात कर रहा था, तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ आई। तो फायरिंग की आवाज़ सुन के मैं उठ के बाहर देखने से निकला, तो 2 लड़के बाइक से यहाँ खड़े थे, गाड़ी खड़ी करके। दोनों यंग 30 साल के आसपास की एज रही होगी। दोनों के चेहरे मुंह से ढके हुए थे, शायद आंखों में चश्मा भी था। उसके बाद उन्होंने हवा में 2-4 फायर किए और हवा में पिस्तल लहराते हुए वो निकलवा गए। अपना कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ। ग्लास जो ग्राहक लोग बैठे थे उसमें 2-3 ग्राहकों को कांच के टुकड़े लगे। कांच के शोरूम पूरा कांच से कवर था, तो वो उन्होंने जो पिस्तौल चली उसे कारतूस का सीधा प्रभाव किसी के ऊपर नहीं आया। अगर ग्लास नहीं होते शायद कोई बड़ा नुकसान हो सकता, कोई दुर्घटना घट सकती थी।